नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। मजौलिया में राजमिस्त्री को आपदा रोधी भवन निर्माण हेतु दिया जा रहा प्रशिक्षण। हरकेश कुमार बेदिया, पश्चिम चंपारण की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिले के मजौलिया प्रखंड में 29 पंचायत से चुने हुए राजमिस्त्री को आपदा रोधी भवन का निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 7 दिवसीय है, जो 25 सितंबर 2019 से अक्टूबर 2019 तक चलेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिला जोन 5 में आता है। राजमिस्त्री को प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि प्रखंडवासी अधिक से अधिक भूकंपरोधी मकान बनाएं, जिससे भूकंप के समय कम से कम जानमाल का नुकसान हो। ट्रेनिंग इंचार्ज राज नारायण ने बताया कि इस ट्रेनिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राजमिस्त्री को बताया जा रहा है कैसे भूकंपरोधी भवन का लेआउट करें, कैसे गिट्टी बालू इत्यादि का प्रयोग करें। ट्रेनिंग इंजीनियर किरण कुमारी ने बताया कि राजमिस्त्री को उनकी भाषा में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक जानकारी प्रशिक्षण में राजमिस्त्री प्राप्त कर सके। उसके बाद तो इन लोग के लैंग्वेज में हम लोग को बोलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वर्ड है इस चीज़ में, जो सिविल इंजीनियर जो वर्ड है ये लोग नहीं समझ पाते, तो इन लोग के लैंग्वेज में हम लोग को बोलना पड़ता है थोड़ा। तो प्रॉब्लम तो नहीं आती है क्योंकि ये लोग तो काम करते हुए आ रहे हैं, तो लोग तो नाम सुनते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होती है लेकिन समझ जाते हैं लोग। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम किरण है। तो क्या बोलेंगे सर? ये भूकंपरोधी मकान का मॉडल बन रहा है, ठीक है। इसमें नींव के बारे में बताया जा रहा है सर। अभी देखिए यहाँ पे लोग, ये लोग जो भी बना रहे हैं, तो वहाँ पे हौद बन रहा है। हौद को आमतौर पे देखा जा रहा है कि लोग करते क्या हैं कि ईंट फुलाने के लिए हौद नहीं बनाते हैं और ईंट पे पानी डाल देते हैं। वो पानी पूरा अच्छा से ईंट पी नहीं पाता है, इसके वजह से क्या होता है कि मकान जब भी जुड़ाई करते हैं तो मसाला का पूरा पानी ईंट पी लेता है, और इसके वजह से क्या होता है कि उसका संपर्क अच्छा नहीं हो पाता है और दीवार कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें जो भी चीज़ है, ये जो बनवा रहे हैं हौज में 4 से 6 घंटा ईंट को फुलाने के लिए राजमिस्त्री को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हो गया ट्रेनिंग इंचार्ज राज नारायण। ठीक, मकान बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, कंपोजिट बिल्डिंग्स बनाने के लिए। खास करके हमारा जो जिला है पश्चिमी चंपारण, वो कंपोजिट जोन में है, जोन 5 में है। अतः राजमिस्त्रियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि भूकंपरोधी मकान बनाने में मदद मिल सके और कभी भी भूकंप की आदि की स्थिति में जान माल की क्षति कम से कम। कितने लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है? ट्रेनिंग संभवतः 40-30 जी। सभी लोगों को सब बताया जा रहा था कि इस तरह का भूकंप से, हाँ, भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए जो जो तकनीक है उसके बारे में उनको, जैसे कि ईंट को काफ़ी 5-6 घंटा तक पानी में फुलाना, फिर रॉड बांधने की तकनीक इत्यादि सिखाई जा रही है। नेम सर? मेरा नाम चंदन कुमार, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।